इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। तो बेसिकली अब यहाँ पर जो सर्किट्स हैं, जो सीरीज और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है, हम इनकी जो प्रॉपर्टी हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक बैटरी। ये बैटरी है और इसके टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस टर्मिनल हो गया। इसका नाम ए दे देते हैं, इस टर्मिनल का जो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले टर्मिनल को बी दे देते हैं। तो सपोज़ करो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 4 वोल्ट की, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जो वोल्टेज सोर्स है। अब एक सीरीज में कुछ मैं बल्ब या लैंप कनेक्ट कर देता हूँ, तो एक सीरीज में एक लैंप ये हो गया और एक लैंप ये हो गया, ठीक है। इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट करा हुआ है, तो इसका नाम दे देता हूँ मैं, जो इसका रेसिस्टेंस है लैंप वन का, इसका रेसिस्टेंस है R1, एज्यूम कर लेते हैं, इसका रेसिस्टेंस है R2। तो अब जो करंट फ्लो हो रही है इधर, सही है, तो करंट जो निकालनी है ओम्स लॉ से निकलेगी। अब इसमें कॉमन करंट है, ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे करंट आपकी निकलती है और इसके थ्रू, फिर इसके थ्रू, और फिर वो बैटरी पर चली जाएगी, ठीक है। तो करंट इस तरह फ्लो हो रही है, ठीक है, तो कॉमन करंट फ्लो हो रही है दोनों में, पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो शेयर भी हो रहा है दोनों में। तो सीरीज सर्किट में करंट जो है वो सेम होती है, बस जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो शेयर होता है। तो कहने का मतलब है, जो वोल्टेज अक्रॉस बैटरी है इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस R1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस R2, ठीक है। तो इसको सिंपल सा समझ सकते हैं कि जो हमारा सोर्स है वो एनर्जी सोर्स है बेसिकली, सही है। तो एनर्जी वो डिलीवर कर रहा है, और ये जो है ये एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, डेसिपेट कर रहे हैं, R1 R2। तो एनर्जी देने वाला इक्वल्स टू जो एनर्जी लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी हो जाएगी। तो ऐसा ही वोल्टेज का है, तो वोल्टेज का जो वोल्टेज जो सोर्स से है, वोल्टेज फ्रॉम जो सोर्स दे रहा है, इक्वल्स टू होगा जो वोल्टेज है इनके अक्रॉस, सही है। तो वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस R1, तो इसका नाम दे देता हूँ मैं VR1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस VR2। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VR2 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VR1। अच्छा, अब ये वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्या है, ओम्स लॉ पे जाते हैं, ठीक। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो अब इसके I इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R, ठीक, और R इक्वल्स टू V डिवाइड बाई I, तो तीन ये बन गए, ठीक। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अब इसमें देखो सर्किट है, क्लोज सर्किट है, तो करंट भी फ्लो होगी, तो आई इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको KVL भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सही है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज सोर्स है, वो इक्वल्स टू होगी जो वोल्टेज एक तरह से, जहाँ पर ये जो हमारे कंपोनेंट हैं, वोल्टेज अक्रॉस कंपोनेंट्स, ठीक। तो ये VR1 प्लस VR2 इक्वल्स टू होगी जो वोल्टेज हमारी सोर्स से आ रही है। तो कहने का मतलब है VR1 VR2, तो R1 और R2 क्या कर रहे हैं, वोल्टेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, अगर हम दोनों का सम करें तो वो इक्वल टू होगी, ठीक है, जो हमारी वोल्टेज सोर्स की सप्लाई है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, ठीक। तो V इक्वल्स टू VR1, और इसका नाम चलो V बैटरी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हो, या V रहने दो, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब I पे आते हैं, तो I की वैल्यू क्या है, V डिवाइड बाई R, और R कितना है, R अगर हम A और B टर्मिनल पे देखें इन दोनों का, तो इन दोनों का ये सीरीज में कनेक्ट है, तो R1 प्लस R2, ठीक। तो R इक्वल्स टू हुआ R1 प्लस R2, सीरीज में है, ठीक। तो वी आर जो हमारा जो आई है, इस आई की अगर वैल्यू निकाल लें, तो आई इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई आर, और वी हमने लिया है 4 वोल्ट। R1 की हमने कोई वैल्यू ली नहीं है, ना R1 की वैल्यू ली है, ना R2 की वैल्यू ली है, तो एज्यूम कर लेते हैं इसको 2 ओम मान लेते हैं और इसको भी 2 ओम मान लेते हैं। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 ओम, तो डिवाइड बाई 4 ओम, 4 वोल्ट डिवाइड बाई 4 ओम इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो करंट जो इसमें फ्लो हो रही है इक्वल्स टू 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सही है। तो जो VR1 है वो इक्वल्स टू क्या है, उसकी करंट कितनी है I, रेजिस्टेंस कितना है R1, इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ऐसे ही VR2, I R2
इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 2 वोल्ट, तो दोनों का अक्रॉस 2 2 वोल्ट है, तो ये भी 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, तो करंट जो है दोनों में सेम फ्लो हो रही है, तो सेम करंट होती है सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, बस जो वोल्टेज है वो शेयर होती है, ठीक। तो अब कहने का मतलब ये है, अगर वोल्टेज कम है तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, अगर वोल्टेज जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते हो वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ होता है, सही है, या करंट को इंक्रीज़ जैसे जैसे कर रहे हो वैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़ होती है। तो अगर यहाँ पर जो 4 वोल्ट हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो शेयर हो रहा है, तो इसका मतलब वो कम हो रहा है जहाँ शेयर हो रहा है, यानी 2 वोल्ट इसके अक्रॉस है, 2 वोल्ट इसके अक्रॉस है, तो इसका मतलब है करंट भी कम फ्लो होगी। तो करंट भी कम फ्लो हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम है, तो जो ग्लो करेगा है ना, जो हमारे बल्ब हैं वो ग्लो करेंगे, ठीक है, वो डिम रहेंगे, ब्राइटली ग्लो नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो डिम ग्लो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ना तो वोल्टेज अच्छी है ना करंट अच्छी है, ठीक है, तो दोनों ही केस में ये जो वोल्टेज इनके अक्रॉस रहेगी वो जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस जो रहेगा, सही है, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो शेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से ये डिम। तो सीरीज में दिक्कत क्या है, अब सीरीज का आपको समझ में आया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी शेयर, शेयर्ड बाय कंपोनेंट, तो इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ सीरीज, ठीक। दूसरा सेम करंट, और जो हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना सारे कंपोनेंट के, सही है, वो इक्वल किसके है, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो शेयर कर रहा है ये पी डी शेयर बाय द कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर हम इस सर्किट में से सपोज़ करो ये हमारा इसको बाहर निकाल दें बल्ब को, ठीक है, तो या ये फ्यूज़ हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, इस तरह का सर्किट बन गया, ये फ्यूज़ हो गया, तो अब क्या ये सर्किट वर्क करेगा, क्या इसमें करंट फ्लो होगी, अब कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो कहने का मतलब है अगर सीरीज सर्किट में कोई कंपोनेंट डैमेज हो जाता है या उसको आप बाहर निकाल देते हो तो पूरा सर्किट ही ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो अब ये जो है ऑन नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्किट ब्रेक है। तो कहने का मतलब है अगर आप कोई किसी लैंप को या बल्ब को रिमूव करते हो या किसी सीरीज कंपोनेंट को रिमूव करते हो तो पूरा पूरा सर्किट जो है उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो कोई वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तो सर्किट क्या है, ब्रोकन हो गया। तो ये है हमारा सीरीज में दिक्कत, ठीक। और एक और है कि जो वोल्टेज का जो जो शेयर होने की वजह से करंट कम फ्लो हो रहा है, तो वो जो ग्लो है ना, जो लैंप हो, चाहे आप इसमें मोटर कनेक्ट कर दो तो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, अगर सीरीज में लगा रहे हो तो वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना। अब ऐसे ही लैंप का है, लैंप जो है ग्लो प्रॉपर्ली नहीं करेगा, ठीक। तो अब आते हैं हम पैरेलल पे, तो इसमें KVL और ओम्स लॉ, जब पैरेलल में आप कनेक्ट करते हो तो पैरेलल, चलो दूसरे लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है, दूसरे पार्ट में, इसको अभी इतना ही रहने देते हैं।